तर दिल्ली मध्ये काँग्रेसची पत्रकार परिषद सुरू आहे, थेट जाऊया। बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे नेता राहुल गांधी जी दो जगह से चुन के आए हैं, कानून के तहत उनको एक सीट वैकेट करना पड़ता है और एक सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं और वो कल लास्ट डेट रहने की वजह से आज हम बैठ के सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके उनके बहुत नज़दीक है, उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं, इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है, वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे। लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती, इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने, इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूँ कि दोनों, एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी कि राहुल गांधी जी यहाँ से छोड़े तो भी, वो छोड़े तो छोड़ के तो जाने वाले नहीं है, छोड़े तो भी प्रियंका जी एक, उन्होंने एक ये स्लोगन दिया है यूपी में जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है वहाँ से और हमारे पार्टी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि बहुत कठिनाई में भी उन्होंने हमारा साथ दिया और मैं बहुत ही उनका आभारी भी हूँ क्योंकि उन्होंने इतनी कोशिश करके एक तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी जीत दिलाई, दूसरे जगह जो हम खोए हुए सीट थे अमेठी उसको पुनर्जीत उन्होंने किया और राहुल जी के सीट पे भी उन्होंने बहुत मेहनत की और वो भी हमको जिताए, तो जीत बहुत उनके हाथ में है, इसीलिए ये दोनों काम हम करने जा रहे हैं और आप सबको धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद। अरे वो आगे की बात है, आज आगे आज के नहीं, नहीं आज के दिन का ये निर्णय है, अगर ये मानने के बाद ही आगे का आएगा वो भी मैं बता दूंगा। धमकी तो दी है, प्रेसिडेंट तो धमकी तो दी है।